कांग्रेस नेता सैयद अदनान अशरफ ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की मोदी सरकार को भाजपा नेता बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं और देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैयद अदनान ने कहा कि देश में चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में देश में दो विचारधारा काम कर रही है, एक गांधी की विचारधारा जिसकी कांग्रेस अनुयायी है, दूसरी विचारधारा गोडसे की है जिसकी बीजेपी अनुयायी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि वह इस बार 400 सीट जीतने जा रही है, लेकिन यह एक झूठा जुमला है। साथियों, आपको पता है इस समय देश एक आम चुनाव से गुजर रहा है, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी बाकी है, तो ऐसे समय में आज देश में दो विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा है जिसकी कांग्रेस पार्टी अनुयायी है, एक गोडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आज आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी अपनी हर सभा में राजनीतिक मंचों से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक 400 सीटों का नैरेटिव पूरे देश में चलाया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनका, पहली बात तो कोई 400 सीटें जीतने नहीं जा रहे, वो सिर्फ उनका एक झूठा जुमला है। जैसा उन्होंने एक झूठा जुमला पहले दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, तो उसी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन आज वो 400 पार की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट है कि जो एक देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान हमारे देश को दिया था, जो देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, आज़ादी देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलना चाहती है। और उनके जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हैं, वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।